दोस्तों, जैसे कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये पहले का महल हुआ करता था। फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हो मंगूरी बाग में आ चुके हैं, ये दिखाएंगे। तो हेलो दोस्तों, एक बार न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो सभी? अब हम आ चुके हैं आगरा के ताज लाल किले पर, आपको दिखाएंगे सारा व्यू। ये मेन गेट है यहाँ का एंट्री करने का, देख सकते हो आप, ये मेन गेट है लाल किले का। और ये नदी है, ये नहर है एक किस्म की। ये पूरे किले के चारों तरफ मिलेगी आपको। पहले इसमें पानी भरा रहता था, अब तो ये सूखी रहती है। पहले टाइम में अगर कोई लाल किले पर चढ़ाई करना चाहे तो पहले इसे पार करनी पड़ती थी जब लाल किले पर चढ़ना होता था। ये उनकी पहली टेक्नोलॉजी है, दिमाग लगाया हुआ है उन्होंने। ये इसका मेन गेट हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, हम पहले नंबर गेट पर आ चुके हैं। ये अब आप हमें से क्रॉस करेंगे, देख सकते हो आप, पीछे हमारे गेट है, पहले नंबर गेट है। अब हम इसे क्रॉस करने वाले हैं। पहले टाइम में आप इसे एक किस्म का स्वागत गेट भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ ये बैठकर स्वागत करते थे और गाने वानों के साथ बजाते। सकते हो आप, पहले के टाइम में यहाँ पर बैठ कर स्वागत करते थे, तो इसे आप एक किस्म का स्वागत गेट भी कह सकते हो। ये देख सकते हो आप, और ये आ चुका है मेन गेट, जहांगीरी गेट जिसे बोलते हैं। ये यहाँ के पार्क है, तो काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने के बाद। तो ये देख सकते हो आप, सारा भी दिखाएंगे हम। ये फिलहाल आर्मी के अंडर में कर दिया गया है। और इधर का भी ये देख सकते हो, अब हम एंट्री कर रहे हैं, तो काफी ऊंचाई पर है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों। ये रोड इस तरीके से बनाया गया है कि अगर ऊपर से हाथी घोड़ा या कुछ भी आता है ना, तो वो फिसले नहीं। ये देखिए, पूरा इसमें दरारें दी गई है, इस तरह से इसका व्यू दिया गया है। तो अब हम चल रहे हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने एंट्री कर ली है। ये जहांगीरी महल है आपके सामने, पूरा दिखा रहे हैं हम आपको कि पिछले वक्त का जहांगीरी महल कह करते थे इसे, और उधर वो अकबर का महल था जिसे अंग्रेज़ द्वारा तोड़ दिया गया था। ये दिल्ली के लाल किले से भी बड़ा साइज है इसका। इसका 70% हिस्सा आर्मी को दिया गया है और 25-30% घूमने के लिए दिया गया है। जो हम घूम रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये अंगूरी बाग है, ये देख सकते हो, सारा अंगूरी बाग है। और खास आपके सामने ये दीवाने खास है, जिसमें राजा बैठते थे और अपने प्रजा को बताते थे, जिसे जो सजा दी जाती थी ऐसे ही दी जाती थी। देख सकते हो आप, अंगूरी बाग हम आपको दिखाई रहे हैं। फाइनली दोस्तों, काफी अच्छा लग रहा है आने के बाद। ये देख सकते हो आप, सारा व्यू यहाँ का हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपके सामने हम दिखा पा रहे हैं, ये मस्जिद है वो सामने, वो भी आर्मी के अंडर कर दी गई है, देख सकते हो। देख सकते हो आप, उधर मीना बाजार है, मीना बाजार और मोती मस्जिद, ये मस्जिद दरवाजा है जो कि अभी बंद कर दिया गया है फिलहाल, ये आर्मी के अंडर दिया गया है सामने। यही तो ये देख सकते हो आप, पुराने जमाने की तोप, अब तो इस पर जंग भी लग चुका है, काफी पुरानी लग रही है देखने में भी। ये देख सकते हो आप, ब्रिटिश तोप है ये, अंग्रेजों द्वारा दी गई। वो सिंहासन
आसन है जिस पे वो बैठते थे, देख सकते हो ये पहले ऊपर था अभी नीचे आ गया। वक्त हम दीवाने आम में हैं, आप देख सकते हो पीछे का सारा व्यू, देख सकते हो। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। सकते हो ये अंग्रेजों की कब्र थी किसी की, जॉन रसेल क्रोएन की कब्र है ये, देख सकते हो। काफ़ी अच्छा व्यू दिया गया है इसका भी। 1807 में इनकी डेथ हो गई थी। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो मंगूरी बाग में आ चुके हैं। ये दिखाएंगे मंगूरी बाग का व्यू है, ये देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी लग रही है देखकर, हरियाली देख सकते हो। और ये लिखा अंगूरी बाग, देख सकते हो आप। ये सारा व्यू दिखा रहे हैं हम आपको दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अंगूरी भी बाग आपके सामने भी। अब हम दिखाएंगे वहाँ ऊपर क्या चीज़ है वो। तो जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं आपको, यहाँ से वो ताजमहल को देखते थे और अपना मज़ा लेते थे देखने का। ये देख सकते हो आप पीछे, जैसे कि हम आपको दिखा पा रहे हैं देख सकते हो आप, अंदर का व्यू भी दिखाएंगे हम आपको। ये अंदर का व्यू है इसका, काफी अच्छा लग रहा है देखने के बाद। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे पीछे है सोमनाथ दरवाजा, जिसे यहाँ अंदर बंद कर दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये महमूद गजनी के महल में लगा हुआ था, जिसे अंग्रेज द्वारा जीत कर यहाँ ला दिया गया था, ये देख सकते हो आप। तो दोस्तों देख सकते हो आप सारा व्यू यहाँ का हम दिखा पा रहे हैं आपको, काफी अच्छा व्यू है यहाँ का, ये देखिए। ना तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये पहले ज़माने का एक किस्म का जेल घर था, जैसे कि हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये देखिए ये पहला का जेल कैदी रह रहा था, इसमें कैदी रह रहे थे सारे, ये बंद कर दिया गया अभी फिलहाल के लिए। ये देखिए जो बड़ा कैदी हो रहा था वो इसमें बंद हो गया था, ये देख सकते हो।
was did by Lord Curzon in 1905 or 1903. But you might have stepped. दोस्तों जैसे कि हम आपको दिखा पा रहे हैं ये पहले का महल हुआ करता था जिसमें रानियां रह करती थी और इसमें कोई दरवाजा नहीं है तो पर्दा डाल कर रहते थे वे लोग। देख सकते हो आप सारा व्यू यहाँ का। दोस्तों हम दिखा पा रहे हैं आपको जहांगीरी महल, इसके अंदर का व्यू भी हमने आपको अभी दिखाया था। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हम आपको और व्यू दिखाएंगे। अभी ये पार्क देख सकते हो आप और ये अब हम चल दिए हैं जहांगीरी टप के पास। ये है जहांगीरी टप जिसमें वो स्नान करते थे। तो दोस्तों इसको इतना गोल बना दिया गया है एक पत्थर में से कि इसमें कोई जोड़ नहीं है। ये देख सकते हो जहांगीरी स्नान कुंड, ये देख सकते हो आप इसमें वो स्नान करते थे। पूरा गोल है ये, कहीं से भी इसमें जोड़ नहीं है। पैड़ी भी दी गई है इसमें, ये देखिए ये चढ़ने के लिए इसमें पैड़ी भी दी गई है। ये देख सकते हो आप पूरा व्यू यहाँ का। अब हम आपसे चलते हैं। सामने है अकबर महल, सामने आप देख पा रहे हो ये अकबर महल है जो अंग्रेज द्वारा तोड़ दिया गया था। अब ये फिलहाल बंद है, ये देख सकते हो आप। ऊपर जाना तो खतरे ही मना है और सारा ढांचा ये ढा दिया गया है अंग्रेज द्वारा जो लड़ाई हुई थी। तो आप ये सारा ढांचा ढा दिया गया है जब लड़ाई हुई थी, उसमें ये नुकसान हुआ था काफ़ी। ये अकबर महल है ये जो हम आपको दिखा पा रहे हैं, देख सकते हो। ये पूरा लाल पत्थर का बना दिया गया था पर ये इस वक्त ख़राब हो रहा है, ये देख सकते हो आप। तो दोस्तों भी लोग अच्छा लगे तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी करना, यही प्यार चाहिए आपका। घंटी बजा देना व्लॉग को आगे बढ़ाए ज़्यादा से ज़्यादा। ये देख सकते हो हम आपको सारा व्यू दिखा रहे हैं यहाँ का। फाइनल दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए व्लॉग को। अब हम अपना व्लॉग समाप्त करते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।